पाकिस्तान में इंटरनेट ठप है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, जिसके बाद उसे कराची के अस्पताल में एडमिट कराया गया। लोगों ने यह भी कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने दाऊद को जहर दिया और उनकी मौत हो गई। अफवाहों के बीच पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कर का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस ट्वीट में इस बात की पुष्टि का दावा किया गया कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है और पाक सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। लेकिन क्या वाकई दाऊद इब्राहिम नहीं रहा? क्या अंडरवर्ल्ड डॉन की मौत हो चुकी है? इस ट्वीट की सच्चाई क्या है? चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक खबर के मुताबिक कल रात यूजर्स ने 8 बजे के बाद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने में परेशानी आने की सूचना दी, जो कि अब तक जारी है। यूजर्स ने इंटरनेट सर्विस स्लो होने की शिकायत भी की, जिसके बाद ही अफवाहों का दौर शुरू हुआ। लोगों ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कर के एक ट्वीट के बाद इस बात पर तमाम मीडिया चैनल्स ने भी खबर चलाना शुरू कर दिया। हालांकि जब हमने अनवर उल हक कक्कर के ट्विटर हैंडल को चेक किया तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला। इसके अलावा स्क्रीनशॉट में इस्तेमाल किया गया हैंडल कुछ और था, जबकि पाकिस्तानी पीएम की असली आईडी कुछ और है। अनवर कक्कर नाम का एक हैंडल है, लेकिन वो पीएम कक्कर का फैन अकाउंट है और वहाँ ऐसा कोई ट्वीट भी नहीं किया गया था, यानी कि ये ट्वीट फेक है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया था, लेकिन ये नहीं पता लगा कि कारण क्या था। कई रिपोर्ट्स में उन्हें जहर दिए जाने की अफवाहों की बात कही गई थी। हालांकि इब्राहिम की मौत की अफवाहें अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन ये बात जरूर सच है कि 17 दिसंबर को पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाओं पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया सेवाओं सर्च इंजन ने बिना किसी पूर्व सूचना के काम करना बंद कर दिया। कोई भी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और अभी भी गूगल सर्च इंजन पाकिस्तान में डाउन है। जबकि ये अफवाह थी कि कार्रवाई इब्राहिम को जहर देने के कारण हुई थी, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्चुअल रैली के वीडियोस की पहुंच और प्रसार को सीमित करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, जो कि आज होने वाली थी। बता दें कि दाऊद इब्राहिम भारत के अब तक के सबसे कुख्यात और खूंखार गैंगस्टर्स में से एक है। माना जाता है कि वो पाकिस्तान के कराची में रहता है। 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट में उसकी कथित भूमिका के लिए उसे पकड़ने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनाम के साथ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2003 में उसे एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। 2011 में FBI और फोर्ब्स ने उसे दुनिया के 10 सर्वाधिक वांछित भगोड़ों में तीसरे नंबर पर रखा था। इब्राहिम की मौत की अफवाहें पूरे सोशल मीडिया पर अभी भी हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी अफवाहें साल में 1 या 2 बार सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। ये बात भी लगातार सामने आती रहती है कि इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान कभी ये बात मानता नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।